नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और चौराई की बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चौराई ले लिया है जो कि आधा किलो है। इसे हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है साफ पानी में, फिर एक छन्नी में इसे छान लेना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। आप इसे 2 से 3 बार धुल लीजिएगा। और आलू मैंने यहाँ 3 आलू लिया है, मीडियम साइज़ का है, उसे भी धुल लेंगे और अच्छे से छील लेंगे और काट लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने जीरा ऐड कर लिया है। जीरा के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे हींग, जो कि मेरा 1/4 स्पून हींग है, और 2 लाल सूखी मिर्च होती है उसे ऐड कर लिया था। हमें इसमें ऐड कर लेना है लहसुन, अदरक और मिर्च, तीनों कुटे हुए हैं। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसे हमें हल्का सा फ्राई होने देना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हल्का सा गोल्डन कलर में हो जाता है। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना प्याज, जो कि बारीक कटी हुई है, पतली पतली पीसेस में बारीक कटी हुई है। फिर उसे अच्छे तरीके से हमें फ्राई होने देना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देना है। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज जो है हमारा जल्दी से पक जाता है और नीचे सरफेस पे लगता भी नहीं है। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद, हल्का ट्रांसपेरेंट और ब्राउन शेड हो गया, तो उसके बाद इसमें ऐड कर लेना हमें आलू जो हम लोगों ने काट करके रखा था। काट करके आपको पानी में ही रखना है, बाहर रखेंगे तो इसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो पानी में ही रखा रहेगा। फिर इसमें हमें ऐड कर लेना है, फिर 2 से 3 मिनट बाद इसमें हमें चौराई ऐड कर लेना है, जो कि बारीक कटी हुई चौराई है। आपको काटने के बाद नहीं वॉश करना है, पहले वॉश कर लेना फिर इसे कट करना होता है। फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना, और धीरे धीरे मिक्स करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो इसे हमें ढक करके पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ 1/4 स्पून हल्दी ऐड कर लिया है, 1/4 स्पून इसमें ऐड कर लेंगे हम गरम मसाला, बस इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। कम से कम मसालों में ये बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना और इसे ढक करके पकने देना है। फिर 5 से 6 मिनट बाद इसे हमें खोल करके देखना है, इसे चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो पत्तियां अच्छी तरीके से गलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हमें ऐड कर लेना है देसी घी। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सुनहरा टेस्ट आ जाता है। तो आप देसी घी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी स्मेल भी आती है इसमें, टेस्ट भी बढ़ जाता है। फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके पकाना है। इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। फिर इसे हम ढक देंगे, बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो 7 से 8 मिनट हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत इसमें सुनहरी स्मेल आ रही है। तो आलू हमें चेक कर लेना है पकी है कि नहीं। अभी नहीं पकी है तो इसे फिर से ढक करके आप इसे पकने दें। तो आलू हमारी पक चुकी है, एकदम अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है और इंजॉय करना है किसी भी सब्ज़ी, रोटी के साथ सब, आप इसे पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं। आप ये सब के साथ टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।